बदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। भाई हत्या तो हुई है ना, हत्या तो हुई है, और उसके बाद कानून में फेरबदल करके किसी को इस तरीके से रिहा कर देना, सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती हो। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं प्रवीण सिंह। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की राजनीति गर्म है, और इस बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि जिसने अपने परिवार को खोया है उन पर आज क्या बीत रही होगी। अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार कानून बदलते हैं और अपराधियों को बाहर निकालते हैं। देखिए चिराग पासवान आज गया में क्या कुछ कह रहे हैं। उसको बंद करा दीजिए, उसको बंद करा दीजिए, नीचे रखो ना, नीचे रखो ना, लोगों नीचे रखो ना, मुझे अरे लीजिए ना नीचे। सर आज गया क्या दौर में हम लोग का हर जिले में कार्यक्रम लगा ही हुआ है। आने वाले 28 नवंबर को जो लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस होता है, हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उस दिन पार्टी की नींव रखी थी सन 2000 में। तो इस 28 नवंबर को हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ परमंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर पार्टी के छोटे बड़े तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने का। तो ये आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों पे परमंडलीय स्तर पर अलग अलग बड़ी बड़ी रैलियां वो भी आयोजित की जाएंगी। सर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया सर, आपकी प्रतिक्रिया? भाई जिस तरीके से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। भाई हत्या तो हुई है ना, हत्या तो हुई है, और उसके बाद कानून में फेरबदल करके किसी को इस तरीके से रिहा कर देना, सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिसने अपने को खोया। और ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांटने की राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, ये उसका एक और जीता जागता उदाहरण है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले के खिलाफ है, और हम लोग मांग करते हैं कि पुनः विचार करें इसके ऊपर। और इस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार कानून को अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना, ये कहीं से उचित नहीं है। भाई पहले भी आपने इस कानून को इसी तरीके से आपने किया था, आज आप कानून को लचर बना रहे हैं। क्यों? ताकि आप किसी की मदद कर दें। क्यों? क्योंकि आपका राजनीतिक साठगांठ राजनीतिक स्वार्थ आप उसमें साधना चाह रहे हैं, ये गलत है। सर नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों 73 दिनों पहले ही उनको रिहा करने की मांग की गई थी। क्या जी? नीरज कुमार प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया है कि 73 दिन पहले ही। भाई अब उनके बयान को कौन क्या बोल रहा है। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाया, और उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए कानून बदलते रहते हैं, किसी को अंदर और किसी को बाहर करते हैं। हत्या तो हुई है, और जिनके परिवार के सदस्य की हत्या हुई आज उन पर क्या बीत रही है, और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो चिराग पासवान जो है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने कानून में कुछ संशोधन किया जिसके बाद वो रिहा होने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है। हालांकि कोई भी पार्टी जो है आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ खुलकर बयान नहीं दे रही थी, लेकिन चिराग पासवान
अब खुलकर सामने आए हैं और बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।